दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय साइबरटॉर। साइबरटॉर ऐप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन एप्लीकेशन है जो तुम्हारे एंड्रॉइड डिवाइस को स्पाई करने वाली ऐप से सिक्योर रखता है। कभी कभार कुछ ऐसे मालवेयर साइट्स होती हैं जिसकी वजह से कोई एप्लीकेशन बिना परमिशन के तुम्हारे डिवाइस में इंस्टॉल हो जाती है और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसका कोई आइकन भी तो शो नहीं होता। और ऐसी एप्लीकेशन तुम्हारे डेटा को कलेक्ट करती है और तुम्हारे मोबाइल से पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करती है और तुम्हारी लोकेशन को भी ट्रैक कर सकती है और तुम्हारे पर्सनल गैलरी को भी एक्सेस कर सकती है। लेकिन ये एप्लीकेशन की मदद से तुम कुछ सेकंड्स में ही तुम ऐसे किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हो जो भी तुम्हारे मोबाइल को स्पाई करती है। सो डाउनलोड द ऐप नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार, जानता हूँ काफी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग सब इस बात से वाकिफ हो गए, कॉपीराइट वगैरह का मामला चल रहा है। और जहाँ तक बात है अपडेट की कि स्ट्राइक का क्या हुआ, खैर यही कहूंगा एक से दो हफ्ता सबर करो, हो सकेगा तो निकल जाएगी स्ट्राइक। कैसे निकलेगी वो डिस्क्लोज करना मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, और माफ करना मैं इस वीडियो में मांगा इमेजेस को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। वेजिटा को बीरस ने एहसास दिला दिया कि अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसके पास एक ही रास्ता है और वो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का रास्ता। यहाँ तक कि बीरस ने ये भी गवाही दे दिया कि चाहो तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर भी जा सकते हो अगर तुम वो राह में जाओगे जहाँ मैं तुमको लेके जाऊंगा। खैर बीरस ने यहाँ ये साफ कर दिया कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफी ऊपर है, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर का एंड नहीं है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक लिमिट नहीं है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक दीवार नहीं है। बीरस ने यह साफ कर दिया कि अगर तुम चाहो तो इस जरिए से भी और इस तरीके से भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर आके बैठ सकते हो। और सबसे पहली चीज जो वेजिटा बीरस से सीख रहा है वो है बीरस और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सिग्नेचर मूव जो हर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर फर्ज होता है, वो है हकाई। बीरस वेजिटा का इम्तिहान ले रहा है कि इस शख्स में कितनी क्षमता है कि ये कितनी बड़ी चीज को हकाई कर सकता है। आखिरी मांगा में तुम सब ने इस चीज को देखा था कि कैसे वेजिटा सिर्फ एक कंकड़ को हकाई करके खुश हो गया था कि हाँ देखो आखिर मैं भी सीख गया। और उसने ये भी कहा कि अब आने वाले वक्त में इससे भी बड़ी चीज के ऊपर वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करेगा। अब ये टेक्निक से एक चीज समझ आती है कि ये टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले अपने अंदर से खुद को भी बिल्ड करना पड़ता है। एक कहावत है ना, लोहे को तुम जितना मजबूत करोगे वो उतनी ज्यादा मजबूत चीज को तोड़ेगा। तो बीरस ने वेजिटा को यही कहा कि तुम्हारे अंदर से एक विल पैदा करो, तुमको सिर्फ उसको टुकड़े टुकड़े में धूल में नहीं बदलना, उसका एक एक एटम, उसका एक एक मॉलिक्यूलर पार्ट, उसको एग्जिस्टेंस से खत्म कर देना है कि एहसास ही ना हो कि तुमने कभी एक हाथ में पत्थर भी उठाया था। बीरस का इनडायरेक्टली कहना यही था कि ये टेक्निक ऐसी है कि जिसके ऊपर भी इस्तेमाल करो, उसके ऊपर इस्तेमाल करने से पहले ये सोच के चलो टेक्निक इस्तेमाल होने के बाद उसका एक जर्रा भी ना बचे और एहसास भी ना हो कि थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने कोई खड़ा था जिसके ऊपर तुमने ये टेक्निक को इस्तेमाल किया, या ऐसा कोई शख्स का वजूद भी हुआ करता था जो एक वक्त पर जिंदा था। क्योंकि हमने देखा है आमतौर पर गोकू वेजिटा अगर अटैक करते हैं तो उसके इम्पैक्ट से पत्थर चूर चूर हो जाते हैं, या अगर चलो मान लिया माजिन बू के वक्त में, सेल के वक्त में अगर उन्होंने उसे कामेहामेहा और स्पिरिट बॉम्ब के जरिए मारा भी तो उनके एक एक पार्टिकल अलग हुए और वो जलते गए और जल के डस्ट में बदल गए और वो लोग उस एनर्जी के इम्पैक्ट को सह नहीं पाए, तभी वो जाके खत्म हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, अगर दोनों मरे भी तो आज भी सेल और माजिन बू, जो बुरा वाला माजिन बू है, उनकी आफ्टर लाइफ बॉडी हेल में जिंदा है। लेकिन ये टेक्निक जो बीरस के पास है, जो मेरी थियोरी है, ये ऐसी चीज है, अगर ये टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम किसी को खत्म करते हो तो उसका आफ्टर लाइफ नहीं होता, वो पूरे एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाता है। और देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में ये जल्दी हमको मालूम पड़ जाएगा कि वीस और बीरस में से कोई एक शख्स ये तो बताने वाला ही है कि हकाई की टेक्निक इस्तेमाल करने पर जिसके ऊपर भी वो हकाई की टेक्निक इस्तेमाल होती है वो शख्स ना तो हेल में जाता है ना तो हेवन में, सीधा वजूद से खत्म हो जाता है। तभी इस टेक्निक को काफी अलग टेक्निक का दर्जा दिया गया है। लोगों में, मॉर्टल्स में जो लोग गॉड्स की हैसियत जानते हैं, तभी उनके जहन में एक खौफ होता है कि यार ये गॉड्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि इनसे पंगा लिया तो फिर मर के वापस से ड्रैगन बॉल से रिवाइव हो जाएंगे। इनके साथ पंगा लेना अपने वजूद को खत्म करने के बराबर है। और जिस हिसाब से प्लॉट क्रिएट किया जा रहा है, वेजिटा को हकाई सिखाया जा रहा है, तो सवाल ये है क्या ग्रेनोला ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वेजिटा के सामने आने वाला है, या वो पहला शख्स ग्रेनोला ही बनेगा जिसके ऊपर वेजिटा इस टेक्निक को इस्तेमाल करेगा। लेकिन ध्यान देना, ग्रेनोला आज के वक्त में स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स में गिना गया है। लेकिन उससे पहले तुम लोग को याद है गोकू
ने भी यही सेम टेक्निक जमासु के ऊपर इस्तेमाल किया था, लेकिन पूरी तरीके से कर नहीं पाया था। जमासु आधा एग्जिस्टेंस से खत्म हुआ था, पूरा नहीं। और याद है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिड्रा ने हकाई की एनर्जी दिया था गोकू या फ्रीजा को खत्म करने के लिए, लेकिन दोनों ने बहुत आसान तरीके से उस एनर्जी को टैकल कर लिया था। तो यहाँ मेरा इससे ये कहना है कि अगर तुम्हें किसी चीज को हकाई करना है तो तुम्हें शायद एक प्रॉपर कैलकुलेशन भी चाहिए होता है कि ये शख्स इतना ऊपर है तो इसके लिए काफी मजबूत हकाई एनर्जी चाहिए। मतलब वो एनर्जी इतनी खतरनाक होनी चाहिए और इतनी डिस्ट्रक्टिव होनी चाहिए कि वो अगर छू भी जाए तो बंदे का जिस्म वजूद से खत्म हो जाए। लेकिन हमें पता है उसके लिए उतना पुराना भी होना जरूरी है। बीरस आज के जमाने का नहीं, बीरस मिलियन बिलियन साल पहले का है। उसकी एनर्जी हकाई की अभी तक इतनी डिस्ट्रक्टिव हो चुकी होगी कि एक बूंद भी अगर वो किसी शख्स पर फेंक दे तो वो शख्स का पूरा वजूद खत्म हो जाए। और गोकू और वेजिटा अभी सीख भी जाते हैं तो मुश्किल है कि वो लोग इतनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्रिएट कर सके। ग्रेनोला द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स 7 को उसके वजूद से खत्म करने के लिए। तुमने जमासु के वक्त में मांगा में देखा होगा, गोकू कोशिश कर रहा है जमासु को एग्जिस्टेंस से खत्म करने में, लेकिन उसका फेस रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि उसे उस टेक्निक को इस्तेमाल करने में और जमासु को एग्जिस्टेंस से खत्म करने में खुद को ज्यादा पुश करना पड़ रहा है। लाइक इनडायरेक्टली कहूँ तो गोकू की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस वक्त जमासु को वो उस टेक्निक के जरिए खत्म कर पाता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया कि जितने पुराने आप हो गए उतनी डिस्ट्रक्टिव और खौफनाक आपकी एनर्जी होगी। तुमने देखा होगा बीरस को, उसके चेहरे पर कुछ फर्क भी नहीं पड़ता चाहे वो प्लेनेट को हकाई कर दे या फिर जमासु को। इससे ये पता लगता है बीरस के पास पुराने होने का, और पुराने होने के वजह से उसकी एनर्जी दिन बर दिन और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म लेते जा रही है। और सेंस एक अलग ब्रीड है, ये लोग सीखते और चीजों को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो जितना जल्दी गोकू वेजिटा इस टेक्निक को सीखेंगे और मास्टर करेंगे तो मास्टर करने के बाद उनको खुद को भी पुराना करना होगा, तभी उनकी एनर्जी वक्त के साथ और डिस्ट्रक्टिव बनते जाएगी। एक कहावत है ना, जितना पुराना सांप उतना जहरीला उस सांप का जहर। फर्क ये है। मेरे ख्याल से तुमको पता लग गया होगा कि आखिर क्यों वेजिटा के लिए हकाई सीखना इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, और क्या हकाई सीखने के बाद उसका हकाई इतना डिस्ट्रक्टिव होगा कि ग्रेनोला को उसके एग्जिस्टेंस से खत्म कर दे। तो यही सब देखने के लिए और जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर पाओ। और हमारे चैनल 400K से काफी नजदीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हमें 400K पर पहुंचा दो। और वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोग मेरी थियोरी से अग्री करते हो, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ आपको जो मैंने हकाई के रिगार्डिंग थियोरी दिया उसमें कुछ सेंस भी बनता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।